हाय गाइस, वेलकम टू रिंकीज एंजल। लेकिन तो यस, अब हम कर रहे हैं जुलाई के लिए फोरकास्ट, जैसे मैं रेगुलरली करती हूँ, तीन टैरो कार्ड्स और एक एंजल मैसेज। तो इस महीने जो मैं डेक यूज कर रही हूँ वो है एंजल आंसर्स। अगर आप बहुत टाइम से मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको पता है ये डेक कैसे यूज करते हैं, और जो लोग न्यू है मेरे चैनल पे, मैं उनको बता देती हूँ कि आपको एक सिचुएशन जो आपके लाइफ में करंटली चल रही है, जो प्रेजेंटली आप जिस चीज़ में कहते हैं थोड़ा अटके हुए हो, या आपको समझ नहीं आ रहा कि इसका क्या होगा या क्या करना चाहिए, तो आप वो क्वेश्चन दिमाग में सोच लीजिए। ये वीडियो देखने से पहले, अपनी राशि का देखने से पहले, आप वो क्वेश्चन दिमाग में मेडिटेट कर लीजिए बेसिकली एक मिनट के लिए। तो उसके अकॉर्डिंगली ये आंसर आपके लाइफ में आप रिलेट कीजिए, तो जो आंसर आएगा वो आपके सिचुएशन का आंसर होगा पर्टिकुलरली। तो ये एंजल आंसर डेक मैं यूज़ कर रही हूँ, और तीन टैरो कार्ड जैसे मैं रेगुलरली करती हूँ। आई होप आपको ये पसंद आए, आई होप ये आपको राइट डायरेक्शन में गाइड करे, एंड यू फील वेरी वेरी मोटिवेटेड टू वर्क हार्ड इन लाइफ। सो दैट्स अबाउट, लेट्स मूव ऑन टू पाइसिस यानी कि मीन राशि। मैं आप लोगों के लिए तीन टैरो कार्ड और एक एंजल आंसर पुल आउट कर रही हूँ। तो देखते हैं इस महीने टैरो और एंजल्स आपको क्या बता रहे हैं, क्या गाइडेंस दे रहे हैं। जो पहला कार्ड है वो है कार्ड ऑफ सॉर्ड्स। ये कार्ड बता रहा है कि यू नो, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट नहीं फील करना है कोई भी चीज़ से। जैसे आपकी लाइफ चल रही है बिल्कुल अच्छी चल रही है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, सब कुछ सही है, बट इट्स जस्ट दैट कि आप बहुत ही इमोशनली अटैच फील कर रहे हो, आप बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो। दिस इज़ द टाइम टू जस्ट यू नो कॉन्सेंट्रेट ऑन योर प्रेजेंट सिचुएशन। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट ना कीजिए, जैसी सिचुएशंस हैं बहुत अच्छी है, ब्राइट है। ऑल्सो दिस गिव्स यू एडवाइस सेइंग दैट अगर आप फाइनेंशियली किसी को हेल्प करना चाह रहे हो ये मंथ, avoid doing that, because that help that you're doing right now, you know, in terms of lending money to somebody on a basis of loan, तो वो जो person है वो आपका loan नहीं return कर पाएगा, और वो money के वापस आने के chances बहुत कम है, तो just be very careful with that. अगर आप किसी को willingly donate कर रहे हो that's a different story, but if you're lending money on basis of getting it back, very low chances. Second card that we have for you is the lovers, which is the card of the month on my Instagram and Facebook page for all you guys, and it's specially come out for Pisces. So ye bata raha hai, it's the time to celebrate, it's the time to, you know, make that bond, make that connection, things will look really good. Matlab har ek cheez aapke hisab se ho rahi hai, aap कोई भी चीज़ पे हेजिटेट मत फील कीजिए, आप किसी पे डाउट मत कीजिए, ज़्यादा क्वेश्चंस मत लाइए दिमाग में, बिकॉज थिंग्स लुक एब्सोल्युटली ग्रेट। थर्ड कार्ड वी हैव फॉर यू इज अ कार्ड ऑफ वॉन्ड्स अगेन, विच इज टेलिंग यू दैट यू नो इट्स द टाइम टू फोकस ऑन योर वर्क मोर देन एनीथिंग एल्स। इट्स द टाइम टू पुश योरसेल्फ, अपने आप को हर रोज, हर बेसिकली एवरी सिंगल डे जैसे आप उठते हो, अपने आप को मोटिवेट कीजिए, अपने आप को पुश कीजिए कि मुझे लाइफ में ये करना है, आज का मेरा टू डू लिस्ट ये है। तो बहुत ज़्यादा अपने आप को पुश करने की ज़रूरत है, बिकॉज जो आपके ड्रीम्स है, एस्पिरेशंस है, वहाँ तक पहुँचने के लिए अपने आप को अपने कम्फर्ट जोन से, अपने रेगुलर डे से, यू नो, बिकॉज देयर कुड बी डेज जहाँ आपको बिल्कुल कुछ करने का मन ना करे, उस दिन आपको अपने आप को थोड़ा एक्स्ट्रा पुश करना है, बिकॉज यू कैन नॉट वेस्ट ऑन टू एनी सिंगल डे, बिकॉज एवरी सिंगल डे एज पर योर वर्क इज वेरी प्रेशियस, बहुत प्रेशियस है। तो दिन कुछ भी मत गवाइए, फोकस कीजिए अपने लाइफ पे, फोकस कीजिए अपने काम पे, फोकस कीजिए अपनी फैमिली पे। एंड नाउ द एंजल आंसर फॉर यू इज कॉम्प्रोमाइज। सो एंजल्स आर टेलिंग यू, यू नो, जो सिचुएशन है थोड़ा बहुत आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। आप जो अपने अंदर एक यू नो मन बना रखा हुआ है कि नहीं, मैं बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी, जैसे मैंने सोचा है मेरे को वैसा ही चाहिए, नहीं, एंजल्स आपको बता रहे हैं कहीं ना कहीं थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए। जो सिचुएशंस फिर आपने उम्मीद नहीं करी है वो उम्मीद से बढ़कर आपके आगे आएंगी। सो दैट्स अबाउट इट, आई होप यू लाइक दिस, एंड स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड फॉर माई अपकमिंग वीडियोज़। थैंक यू।